एक बार चेक कर लेते हैं कि साउंड और वीडियो सब कुछ क्लियर है कि नहीं। तो फटाफट अगर सब कुछ क्लियर है तो अटेंडेंस के लिए एक बार फटाफट रिजाइन कर दो सारे बच्चे, फटाफट रिजाइन करो बच्चों। चलिए तो अपन आगे देखते हैं। कल एक लास्ट पेपर में क्वेश्चन देखा था, क्योंकि एकदम से नया क्वेश्चन है, ठीक है, नया क्वेश्चन इन द सेंस बिकॉज इतनी कैलकुलेशन आज तक हमें आदत नहीं है 8th क्लास के लेवल तक, क्योंकि आप जस्ट अभी 8th क्लास से 9th क्लास में प्रमोट हुए हैं, ठीक है। जब अपन एकदम से हायर क्लासेस में जाते हैं तो कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आ जाते हैं जिनके कैलकुलेशन हमें बहुत मुश्किल लगती है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आ गया। ध्यान से देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बहुत आसान चीज है। ये अपन ने क्वेश्चन देखा था, जिस क्वेश्चन के अंदर एक आदमी है वो एक पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, ठीक है। जब वो जा रहा होता है तो उसकी स्पीड होती है 50 किलोमीटर पर आवर, और जब वो आ रहा होता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है 100 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी उसकी पूरे जर्नी की। तो एक बार मैं दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, फिर अपन आज की क्लास को क्या करते हैं आगे शुरू करते हैं। चलिए देखिए इसी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है विच इज द ए पॉइंट, और एक क्या है एंड पॉइंट है विच इज द बी पॉइंट। एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है, ये दो पॉइंट है मेरे पास कुछ इस तरीके से, ठीक है। जा रहा, देखो एक पर्सन है जो ए पॉइंट से शुरू होता है और बी पॉइंट तक पहुंचता है, ए से शुरू हुआ बी पॉइंट तक पहुंचा, और कितनी स्पीड से गया वो गया 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, क्लियर। बी पॉइंट पे कुछ देर रुका, उसने काम वाम किया होगा, फिर उसने क्या किया वापस रिटर्न बैक करना शुरू किया, और बी से ए वापस आया विद ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से आया 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये तो क्वेश्चन कह रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड करके बताओ दैट व्हाट इज द एवरेज स्पीड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो कैसे निकालते थे एवरेज स्पीड, एक बार ध्यान से देखो। कल ये अपन ने फॉर्मूला देखा था, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या टोटल टाइम। अब ना ही हमें इस क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस पता है और ना ही हमें इस क्वेश्चन के अंदर टोटल टाइम पता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए और बी के बीच के डिस्टेंस को अज्यूम कर लेते हैं अपनी मर्जी से। तो यहां पर मैं अपनी मर्जी से ए और बी के बीच का डिस्टेंस को एक्स अज्यूम करता हूं। तो देखो क्या लिखा है मैंने नीचे, let us assume that the distance between A and B is x। हमने क्या अज्यूम किया कि जो A और B के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है x है, ठीक है। ये क्यों अज्यूम किया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देख सकते हो, क्वेश्चन मेरे सामने है और इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी हमें डिस्टेंस की वैल्यू गिवन नहीं है, बट हमें एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस चाहिए होता है। इसीलिए हमने क्या किया, डिस्टेंस को अज्यूम किया कि व्हाट इज द डिस्टेंस और व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ए एंड बी। तो अब हमें पता चल गया दैट इन दोनों के बीच में एक्स डिस्टेंस की दूरी है, क्लियर। ए और बी पॉइंट के बीच में कितने डिस्टेंस की दूरी है, एक्स डिस्टेंस। नाउ ध्यान से देखो, मान लो कि मेरे घर से एक पर्टिकुलर जगह या शॉप तक का डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने घर से चलना शुरू किया, शॉप तक पहुंचा, तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 5 किलोमीटर। जब मैं शॉप से वापस अपने घर तक आऊंगा तो मैं टोटल कितना डिस्टेंस चल चुका हूंगा, देखो जाते समय 5 किलोमीटर और वापस आते समय 5 किलोमीटर। सिमिलरली यहां पर पर्सन गया ए से बी, फिर वापस बी से ए आया, तो ए से बी जाने में उसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बी से ए आने में वापस उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, एक्स डिस्टेंस। तो अपन यहां बोल सकते हैं दैट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। क्यों 2x, क्योंकि जाते समय उसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया और आते समय वापस आते समय फिर से उसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसीलिए अपन ने यहां पर टोटल डिस्टेंस को कितना बोला, 2x बोला। समझ में आया बच्चों, दिस वॉज द कैलकुलेशन ऑफ टोटल डिस्टेंस। अब हमें क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना है। अब टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम भी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, बट हमें जाने और आने की स्पीड पता है कि जाते समय कितनी स्पीड थी और आते समय कितनी स्पीड थी। क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, देखो जाते समय अपन ने क्या माना दैट
while going, the person takes T1 time to cover the distance. While going from point A to B, the person takes T1 time to cover the distance. Or second क्या माना? Second ये माना कि while coming back the person takes T2 time. जाते समय उसको time कितना लगा? T1 लगा. आते समय उसे time कितना लगा? T2 लगा. ये अपन ने assume कर लिया. तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं. देखो. In covering, या ऐसे लिखो. While moving from A to B, time taken is T1. ठीक है, and इसके बाद क्या लिखेंगे? While moving from B to A, time taken is T2. ये अपन ने assume कर लिया फिर से. क्या assume किया? कि जाते समय उसको T1 time लगा होगा और आते समय कितना time? T2 time लगा. Now what is the formula for time? देखो speed का formula क्या होता था? Speed was equal to distance upon में क्या? Time. Speed कैसे बराबर था? Distance upon में time. अब मुझे time निकालना है तो time को इधर ले आता हूँ, speed को नीचे ले जाता हूँ. तो देखो formula क्या बना? Time will be equal to distance upon speed. ठीक है भाई, जो मेरे पास स्पीड का फॉर्मूला था मैंने उसी फॉर्मूले से क्या डिराइव किया? टाइम का फॉर्मूला डिराइव किया. स्पीड वाज डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम बिकम्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड. नाउ इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए T1 और T2 की वैल्यूज को अपन कैलकुलेट करेंगे. इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए T1 और T2 की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे. ध्यान से देखिए क्या फॉर्मूला था. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो देखो T1 कैसे कैलकुलेट किया जाएगा. T1 मतलब जाते समय का टाइम, जाते समय डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया x, स्पीड कितनी थी 50. क्लियर? तो टाइम कितना आ गया? x अपॉन 50 आ गया. सिमिलरली वापस आते समय टाइम T2 था, डिस्टेंस अभी भी कितना है? x है. वापस आते समय भी x डिस्टेंस ही ट्रेवल किया, डिवाइडेड बाय कितनी स्पीड से आया? 100 की स्पीड से आया. तो T2 टाइम भी निकल आया. Now what will be the value of total time? So total time will be equal to T1 plus T2 is equal to x upon 50 plus x upon 100. Clear? This is the value of total time. Total time कैसे निकाला? अपन ने T1 और T2 को दोनों को add कर दिया. अब अपन क्या करेंगे? Net के लिए यहाँ पर लेंगे LCM which is 100. इधर आएगी value 2x plus x. LCM लेना मैं बच्चों मानता हूँ कि सबको आता है. So this becomes 3x upon 100. Total time कितना आया? 3x upon 100. Total distance कितना आया? 2x आ गया. Now अब हमें मुझे क्या calculate करना है? Average speed. देखो total distance निकाल लिया, total time निकाल लिया. तो average speed का क्या formula होता है? Average speed is equal to total distance which is 2x. Total distance कितना निकाला? 2x निकाला. Divided by total time कितना है? 3x by 100. So this can be written as 3x by 100 में से 100 ऊपर चला जाएगा. x से x कैंसिल हो गया, ये बन गया 200/3 और वी कैन से दैट दिस इज 66.67 किलोमीटर पर आवर. समझ में आया बच्चों? इस क्वेश्चन को मैंने वापस रिपीट कर दिया है. क्यों रिपीट किया है? क्योंकि अभी अपन इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और बच्चों आप उसे खुद सॉल्व करोगे, साथ साथ मैं भी यहाँ पर उसे सॉल्व करूंगा. तो अपन देखेंगे कि कौन पहले आंसर निकालता है. चलिए बच्चों, तो अपन ने क्या देखा इस क्वेश्चन के अंदर? सबसे पहले अपन को डिस्टेंस नहीं दे रखा था, तो अपन ने डिस्टेंस को अज्यूम किया. अज्यूम करने के बाद फिर अपन ने क्या निकाला? जाते समय और आते समय का टाइम निकाला. फिर टोटल टाइम कैलकुलेट किया और एवरेज स्पीड वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया. क्या निकल के आ गई मेरे पास? एवरेज स्पीड निकल के आ गई. क्लियर? दिस वॉज द एग्जाम्पल फॉर एवरेज स्पीड. नाउ लेट अस राइट डाउन वन अनदर क्वेश्चन और उसके बेस पे और अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको भी करेंगे. चलिए देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी वैल्यूज को मैं चेंज कर देता हूँ. क्वेश्चन में थोड़ी सी वैल्यूज को क्या कर देते? चेंज कर देते और फिर देखते हैं कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. ध्यान से देखिए, देखो वैल्यूज में क्या चेंज किया है? वही क्वेश्चन है. अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम ए एंड गोज टू बी विद 20 किलोमीटर पर आवर. कितनी की स्पीड से गया? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ए से बी पॉइंट तक जाता है.
वापस आते समय जब वो बी से वापस ए पॉइंट तक आएगा, इस बार हम स्पीड को चेंज कर देते हैं और थोड़ा सा चेंज करके इसको कर देते हैं 120 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों वही सेम क्वेश्चन है, जाते समय स्पीड थी 20, वापस आते समय स्पीड थी 120, ठीक है। इसको फटाफट सॉल्व करो और जो बच्चा इसको सॉल्व कर लेगा रेज हैंड करके बताना, अपन फिर चेक करेंगे कि किसने इसको सही सॉल्व किया है। वही सेम क्वेश्चन है, अपन को क्या पूछना है, एवरेज स्पीड निकाल के बतानी है। फटाफट बच्चों सॉल्व करो घर पे, इसे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। चलिए कैसे करेंगे, वही सेम मेथड है। देखो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, जाते समय उसकी स्पीड कितनी 20 किलोमीटर पर आवर, वापस आते समय स्पीड कितनी 120 किलोमीटर पर आवर। देखो क्वेश्चन में कोई ज्यादा चेंज नहीं किया अपन ने, कौशिक जैन कौशिक जैन हेलो देव अग्रवाल, बताओ क्या आंसर है सर। 34.28 किलोमीटर पर आवर, यस सर। चलिए चेक करते हैं इसको, ठीक है। चलिए इसको चेक करते हैं, अपने को देव ने आंसर दिया है 34.28 किलोमीटर पर आवर। इसको चेक करते हैं, सेम वही मेथड रहेगा अपना। अपन को सबसे पहले क्या करना है, डिस्टेंस को एज्यूम करना है, क्योंकि डिस्टेंस हमें नहीं दे रखा है। तो अपन मान लेते हैं लेट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी बी एक्स, कितना डिस्टेंस मान लिया, एक्स मान लिया। तो ट्रेन को जाते समय x डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, वापस आते समय फिर से x डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू x प्लस x विल बी इक्वल टू 2x, दिस इज द टोटल डिस्टेंस। नाउ टोटल डिस्टेंस अपन ने निकाल लिया है, टोटल डिस्टेंस अपन ने निकाल लिया है। अब अपन को क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टोटल टाइम। और टोटल टाइम क्या होगा, जाने वाला टाइम प्लस जब वापस जर्नी में वापस आ रहे थे बी टू वो वाला टाइम, इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे। तो टी वन प्लस टी टू, सिमिलरली देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, टी वन विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सिमिलरली टी टू विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो x है और वापस आते समय स्पीड कितनी है 120। वही चीज करी, टोटल टाइम निकालने के लिए टी वन प्लस टी टू को ऐड कर देंगे, तो दिस बिकम्स x बाय 20 प्लस x बाय 120। क्लियर, यहां से एलसीएम कितना आएगा, 120 आ जाएगा। दिस बिकम 6x प्लस दिस बिकम्स x, क्लियर, बिकॉज 20 की टेबल में 120 सिक्स टाइम्स आएगा। यहां से टोटल टाइम की जो वैल्यू आती है वो आती है 7x बाय 120। क्लियर, टोटल डिस्टेंस निकाल चुके हैं, टोटल टाइम भी निकाल चुके हैं। क्या निकालना है अब अपन को, एवरेज स्पीड निकालना है बच्चों। देखो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस विच इज 2x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम विच इज 7x, और 120 क्या चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। दिस बिकम 240 डिवाइडेड बाय 7। जब अपन 240 को 7 से डिवाइड करेंगे दिस बिकम्स 3, देन 4 28 2.02146 एंड दिस बिकम्स 68। ठीक है, चलिए, सो वी कैन राइट इट एज दैट द आंसर इज 34.28 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, देव ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चे,
ऐसे ही अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते रहेंगे। चलिए, तो मैं मानता हूं कि अपन ने दो क्वेश्चन सेम टाइप से करनी है, तो अब अपनी अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा बिल्ड हो गई है। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, एवरेज स्पीड के ही डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना, अभी अपन ने टाइप वन देखा है। क्या देखा है? एक टाइप का क्वेश्चन देखा जिसमें एक पार्टिकल था, एक आदमी था, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है। ठीक है, जाते समय उसकी स्पीड कुछ और होती थी, आते समय उसकी स्पीड हो सकता है कुछ और होती हो। ठीक है, अभी ऐसा ही तो क्वेश्चन किया था, जाते समय स्पीड अलग थी, वापस आते समय स्पीड अलग थी, बट जाने टाइम डिस्टेंस और वापस आने टाइम डिस्टेंस दोनों सेम था। दोनों ही डिस्टेंस कितना था? एक्स प्लस एक्स, याद करो, देखो आगे नहीं था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अभी अपन ने सॉल्व करना सीखा। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी टाइप टू क्वेश्चन विल बी, ध्यान से देखिए, टाइप टू नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखिए, किसके अंदर? एवरेज स्पीड के अंदर ही। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? एवरेज स्पीड ही चल रहा है, तो एवरेज स्पीड में अगले टाइप का क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहेगा, अभी अपने पार्टिकल ने क्या किया, अभी अपने पार्टिकल ने जर्नी को दो हाफ में डिवाइड किया। पहला हाफ क्या था? जब वो ए से बी गया। दूसरा हाफ क्या था? जब वो बी से ए वापस आया। याद करने की बात ये है, टाइप वन के अंदर द जर्नी वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट ऑफ इक्वल डिस्टेंसेस। देखो जब जर्नी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, देखो यहां पर ए से बी गया, वी वन वेलोसिटी से गया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया। जब बी से वापस ए आया तो वी टू वेलोसिटी से आया। पिछला क्वेश्चन देखा था अपन ने, अलग अलग वेलोसिटी थी, अलग अलग स्पीड थी, जाते समय भी डिस्टेंस एक्स था, वापस आते समय भी डिस्टेंस एक्स था। तो इसको सॉल्व करने का तरीका हम जानते हैं। अब मान लो थोड़ा सा टाइप को करते हैं चेंज। कैसे? अब हम क्या करते हैं, अपनी जर्नी को वापस से दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ए बी, और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किए। दैट मींस मान लेते हैं जाते समय टाइम लगा टी, जाते समय टाइम कितना लगा? टी। एक पॉइंट तक जाते समय टाइम कितना लगा? टी। और इस पॉइंट से एंड पॉइंट तक वापस जाते समय टाइम कितना लगा? टी। दैट मींस अगर मैं अपनी जर्नी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दूं, समझ में कैसे आएगा? अगर मैं अपनी जर्नी को ऐसे डिवाइड करूं कि फर्स्ट हाफ को करने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम मुझे सेकंड हाफ को कंप्लीट करने में अगर लगे, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी ऑफ टाइप टू। समझ में आई बात? कैसे याद रखना है कि सर जब भी हम एक जर्नी को दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर लेंगे कि जितना टाइम हमें फर्स्ट हाफ को कंप्लीट करने में लगा, दैट सेम टाइम वी विल टेक टू कंप्लीट द सेकंड हाफ ऑफ द जर्नी। मान लेते हैं कि अगर मुझे फर्स्ट हाफ को कंप्लीट करने में 1 आवर लगा, तो सेकंड हाफ को कंप्लीट करने में भी कितना टाइम लगना चाहिए? 1 आवर ही लगना चाहिए। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी अ टाइप टू टाइप क्वेश्चन इन द एवरेज स्पीड क्वेश्चन। देखिए मान लेते हैं ए टू सी वी हैव ट्रेवल्ड विद यू स्पीड। कितनी स्पीड से गए हम ए टू सी? यू स्पीड से गए, और सी टू बी हम गए विद वी स्पीड। क्या माना मैंने? मैंने माना कि जब मैंने अपनी जर्नी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया और दोनों पार्ट्स को ट्रैवल करने में सेम टाइम लगाया, कितना टाइम लगाया? सेम टाइम। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर मेरी स्पीड कितनी थी? यू थी। सेकंड पार्ट में मेरी स्पीड कितनी थी? वी थी। इस टाइप के क्वेश्चन में एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बनता है, दैट इज यू प्लस वी बाय टू। क्या फॉर्मूला बन जाता है? यू प्लस वी बाय टू। डायरेक्टली हम स्पीड को एड करेंगे और डिवाइड बाय क्या कर देंगे? टू कर देंगे। डायरेक्टली स्पीड को ऐड किया, डिवाइड बाय क्या कर दिया? टू कर दिया। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या था? दो पार्ट में डिवाइड जरूर किया था जर्नी को, बट जो डिस्टेंसेस थे वो इक्वल थे। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है? दो पार्ट में डिवाइड किया है जर्नी को, बट टाइम जो है वो सेम है। जब डिस्टेंसेस सेम होंगे तो अपन मेथड सीख चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कैसे करना है। जब टाइम सेम होगा दो इक्वल पार्ट का, तो अपन क्या बोलेंगे? द एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू यू प्लस वी बाय।
टू, मतलब यू मतलब फर्स्ट हाफ की स्पीड, वी मतलब सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी की स्पीड, एड करो डिवाइड बाई टू कर दो, क्या निकल आएगा, एवरेज स्पीड निकल आएगा। इसी पे बेस एक क्वेश्चन करते हैं, अंडरस्टैंडिंग को और बिल्ड करते हैं, और आज इस एवरेज स्पीड के टॉपिक को खत्म करते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्वेश्चन से अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन 2 आवर्स। कितने घंटे में? 2 घंटे में एक आदमी ए से बी पहुंच जाता है, कितने की स्पीड से पहुंचता है? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुंचता है, फुल स्टॉप। नाउ दिस पार्टिकल रीचेस पॉइंट सी फ्रॉम बी विद ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर अगेन इन टू आवर्स। क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व। देखो ध्यान, सबसे पहले पहचानेंगे कैसे कि कौन से तरीके से इसको सॉल्व करना है। पिछला वाला तरीका लगाना है कि अभी जो हमने फॉर्मूला देखा, कौन सा फॉर्मूला, U प्लस वी बाय टू, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहचानेंगे कैसे। यहां पर क्या बोल रहा है कि इसमें एक आदमी ए पॉइंट से शुरू हुआ, बी पॉइंट तक गया, कितनी स्पीड से गया? स्पीड वॉज 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड वॉज 10 किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम कितना लिया इसने? 2 आवर्स लिए। कितने आवर्स लिए? 2 आवर्स। सिमिलरली जब ये आदमी बी से सी पॉइंट तक जाता है, बी से सी पॉइंट तक जाता है, तो इसने अगेन कितना टाइम लिया? 2 आवर्स का टाइम लिया। कितने आवर्स का टाइम लिया? 2 आवर्स का टाइम लिया। एंड इसकी स्पीड जो थी बाद में कितनी हो जाती है? स्पीड इसकी बाद में हो जाती है, द सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी कंप्लीट करने में इसकी स्पीड रहती है 15 किलोमीटर पर आवर। कितनी रहती है? 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर पहचानेंगे कैसे कि टाइप 1 टाइप क्वेश्चन है या टाइप 2 है। टाइप 1 के अंदर क्या था? द जर्नी वॉज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल हाफ, मतलब फर्स्ट हाफ को कंप्लीट करने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सेकंड हाफ में भी उतना ही डिस्टेंस था। बट टाइप सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर क्या याद करना है कि दोनों हाफ के अंदर कवर्ड जो टाइम है, जो भी टाइम है, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, वो सेम होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट हाफ में 2 आवर्स लगे, सेकंड हाफ में भी 2 आवर्स लगे। तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे अपन डायरेक्टली? यहां पर डायरेक्टली हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला? यू प्लस वी बाय टू, और वी कैन से दैट 10 + 15/2, दिस इज 25/2, आंसर इज 12.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये वाला टाइप का क्वेश्चन क्या है? आसान रहता है। पिछले टाइप का क्वेश्चन क्या है? थोड़ा मुश्किल रहता है। चलिए गुड मॉर्निंग सर। तौफीक अहमद, हाँ बताओ। गुड मॉर्निंग बच्चे। सर जो इस क्वेश्चन से पहले जो आपने क्वेश्चन किया था उसके अंदर 6x था, वो कैसे आया था सर? जैसे कि देव ने पूछा था। LCM लेके बच्चे देख, इधर अगर मेरे पास ऐसे एक क्वेश्चन है x/20 और x/120, LCM लोगे कितना आएगा? 120 आएगा। 2 की टेबल में 120 कितने बार आता है? 6 टाइम्स आता है ना, तो ऊपर कितना आ गया? 6x। yes, और ये तो LCM लिया है बच्चे, मैथ में पढ़ते हैं ये चीज, तो आया समझ में? ओके सर, थैंक यू। ओके दिव्यांश राठी, कोड इज नॉट सीन क्लियरली। दिव्यांश राठी सर, कोड इज नॉट सीन क्लियरली।
बोर्ड इज नॉट सीन क्लियरली, दैट इज बिकॉज ऑफ योर नेट कनेक्शन बेटा. आप ऐसी जगह बैठो जहां पर नेट कनेक्शन अच्छा है. यश मोदी सर, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में वापस डिफरेंस बताना तो. हाँ देखो सुनो, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन के अंदर जो पिछला क्वेश्चन देखा था अपन ने, उसमें एक आदमी था वो ए से बी जाता था. पिछले क्वेश्चन में अपन देख लेते हैं, 50 किलोमीटर की स्पीड से गया, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जाता है, और बी से ए वापस कितनी स्पीड से आता है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है. दोनों के अंदर कॉमन क्या चीज थी कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी वॉज सेम, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी वॉज सेम. दोनों में ही जाते समय भी जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वापस आते समय भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जाते समय जो फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी थी तब भी डिस्टेंस एक्स था, वापस आते समय भी डिस्टेंस कितना है, एक्स है. तो दो हाफ में जर्नी को अपन ने डिवाइड किया जिसके अंदर डिस्टेंसेस क्या थे, सेम थे. सेकंड टाइप के क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, अपन ने दो हाफ में जर्नी को डिवाइड किया. देखो पहला हाफ क्या है, ए टू बी, दूसरा हाफ क्या है, बी टू सी. और दोनों हाफ में कॉमन क्या है, कॉमन ये है दैट द टाइम विच इज टेकन टू कंप्लीट द फर्स्ट जर्नी, फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी इज इक्वल टू द टाइम विच इज टेकन टू कंप्लीट द सेकेंड हाफ. मतलब फर्स्ट हाफ को कंप्लीट करने में अगर दो घंटे लगे तो सेकंड हाफ को भी दो घंटे लगे. लेकिन जो पहले टाइप का क्वेश्चन था उसके अंदर टाइम सेम नहीं था, डिस्टेंस सेम था. इसलिए फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप अपन ने दो अलग अलग टाइप बने. हेलो. हेलो, हाँ जी बताओ. सर गुड मॉर्निंग, माय क्वेश्चन वाज दैट कि सर एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड. बच्चे अभी तक अपन क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक अपन पढ़ रहे हैं एवरेज स्पीड पढ़ रहे हैं ना, अभी तक एवरेज वेलोसिटी तो अपन ने शुरू ही नहीं किया. अपन ने क्या क्या पढ़ा, अपन ने सबसे पहले पढ़ा स्पीड, फिर पढ़ा वेलोसिटी, और उसके बाद अब क्या पढ़ रहे हैं, एवरेज स्पीड. अब इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टडी अबाउट एवरेज वेलोसिटी, सो डोंट जंप, पढ़ लेंगे अपन धीरे धीरे, आराम से हो जाएगा. ओके सर. गर्ग गुप्ता सर, इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज द यूज ऑफ टाइम, व्हाट इज द यूज ऑफ टाइम. देखो कोई भी यूज नहीं है टाइम का, यहाँ पर अपन ने क्या फॉर्मूले कहीं पर भी टाइम लगाया क्या, नहीं लगाया. बट टाइम से अपन ने पता क्या लगाया, टाइम से अपन ने ये पता लगाया कि ये टाइप वन क्वेश्चन है कि टाइप टू क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, ये चीज पता चली अपन ने टाइम से. समझ में आएगा, टाइम से अपन को ये चीज पता चली कि फर्स्ट हाफ को कंप्लीट करने में अगर 2 आवर्स लगे, सेकंड हाफ को भी 2 आवर्स लगे, दैट मींस ये वाला क्वेश्चन हो गया जिसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगाना है, यू प्लस वी बाय टू वाला फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाए. यहां से अपन ने टाइम को देख के ये पहचाना कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है. समझ में आई बच्चे. श्रेयांश गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर, कल आपने एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था. हाँ जी. उसमें आपने ए बी और सी पॉइंट्स को राइट एंगल में लिया था फर्स्ट क्वेश्चन में. हाँ. उसमें आपने ऐसे बोला था कि पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए गोज टू पॉइंट सी वाया बी. ठीक है ठीक है. सर, एक स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं लिख सकते. बिल्कुल ले सकते हैं, देखो यहाँ पर बोर्ड पे किसने मना किया स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं ले सकते, ले सकते हैं. हमारा क्वेश्चन राइट एंगल का था, वो तो अलग बात है. लेकिन मान लो कि अगर एक आदमी है जो ए से बी गया और फिर बी से सी चला गया, ये लोग स्ट्रेट लाइन में ले लिया. मान लो दिस इज 12 किलोमीटर एंड दिस इज 5 किलोमीटर, कहां से गया, ए से बी गया, बी से सी गया. जब स्ट्रेट लाइन में है तो ध्यान से देखो एक्चुअल पाथ कितना हुआ, एक्चुअल पाथ इज ए टू बी देन बी टू सी. So this is the distance. Distance कैसे निकालते हैं, the measure of actual path. Actual path कितना है, 12 plus 5, which is 17 kilometers. समझ में आई बात, which is 17 kilometers. And what is displacement? Displacement is initial. Initial point कितना है, देखो initial point was A. Final कहां पर पहुंचा, C पे पहुंचा. Final point was C. This is the final point. इसको अपन एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो तो क्या मिल जाता है, डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है. ये लो स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया,
अब बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 17 ही है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी कितना आ गया, 17 किलोमीटर आ गया। बच्चे याद रखने की बात यह है कि जब आदमी स्ट्रेट लाइन में चलता है ना, आदमी स्ट्रेट लाइन में चला तो जो उसका डिस्टेंस रहता है वही डिस्प्लेसमेंट रहता है। बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है स्ट्रेट लाइन से, बट मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल बनाना चाहता था, टफ बनाना चाहता था, इसलिए मैंने क्या ले लिया, राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। समझ में आया? So, sir, अगर हमें क्वेश्चन में ये दे दे कि पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी वाया बी, तो हम राइट एंगल लें या फिर स्ट्रेट लाइन? देखो पिछले क्वेश्चन में जो मैंने आपको क्लास के अंदर कराया, क्या मैंने उसके अंदर आपको एक डायग्राम पहले से दे दिया था? दिया था ना? बिल्कुल दिया था, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा था, यहाँ पर डायग्राम बनाया था। समझ में आ रही है? दैट यू मेड इन द सॉल्यूशन। अब No, that was the diagram which was given in the question. आप जाके उसको वीडियो को YouTube पे दोबारा देखो, आपको दिख जाएगा उसके अंदर। दूसरी चीज क्या है, जब क्वेश्चन के अंदर डायग्राम नहीं गिवन होता तो वो मेंशन करता है कि आपको राइट एंगल लेना है कि स्ट्रेट लाइन लेना है। समझ में आया? अगर क्वेश्चन के अंदर पहले से ही डायग्राम गिवन है, तो आपको वही डायग्राम से ही सॉल्व करना है। ठीक है, जब क्वेश्चन अपन ने क्लास में किया था तो उसके अंदर मैंने आपको डायग्राम पहले से दिया था, आप उसे यूट्यूब पर जाके दोबारा देखिए, वीडियो अपलोड कर दिया गया। ओके सर, हाँ जी, थैंक यू। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में अपन ने क्या देखा, आज की क्लास में अपन ने यह देखा कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के दो टाइप होते हैं, टाइप वन टाइप टू। दोनों को अपन ने सॉल्व करने की कोशिश की। दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको अपने नोट्स में मिल जाएंगे, जो नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोडेड है। सेकंड, आपका काम ये रहना चाहिए, कि आप नेक्स्ट क्लास से पहले, बच्चों मेरा एडवाइस आपको एक ये है कि आपको नेक्स्ट क्लास से पहले पिछली क्लास में जो कुछ भी न्यूमेरिकल करवाए गए हैं, देखो मैंने आज की क्लास में आपको कम से कम 4 न्यूमेरिकल करा दिए। अब ये 4 न्यूमेरिकल आपको घर जाके यूट्यूब लेक्चर को दोबारा खोल के इसको अपने हाथ से प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन योर रफ कॉपीज, बिकॉज न्यूमेरिकल एक ऐसी चीज है जिसको अपन याद करके नहीं सीख सकते। इसके बिना प्रैक्टिस करे अपन नहीं सीख पाएंगे कि दैट हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला इन अ पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। क्लियर? तो न्यूमेरिकल्स को करने के लिए आपको वापस इन्हीं क्वेश्चंस को अपने कॉपी में करना पड़ेगा। नाउ टुमारो इज संडे एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ए असाइनमेंट रिगार्डिंग दिस चैप्टर। I'll be providing you an assignment regarding this chapter, और इस assignment के अंदर आपको up to average speed, कौन-कौन से concept, distance, displacement and speed, velocity, average speed, इन चारों पे numericals मिलेंगे। I'll be providing it in your WhatsApp group। आपको उससे पहले क्या करना है, YouTube lectures को वापस से revise करना है, जो questions कर चुके हैं उसको दोबारा से rough copy में करना है। चलिए आज की क्लास को यहीं close करते हैं, and close करने से पहले पवित सिंह। हेलो। हाँ पवित बोलो। सर आई वांट टू से दैट द क्वेश्चन जो आपने अभी सॉल्व किया, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विद अ स्पीड, इन विच स्पीड एंड टाइम वर गिवन। हाँ जी। तो सर उसके अंदर हम पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा भी तो लगा सकते हैं, और उसके बाद एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन करके भी तो आंसर आ सकता है। बिल्कुल लगा सकते हैं बच्चे, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई भी गलत नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। मैंने जो फॉर्मूला निकाला है ना यू प्लस वी बाय टू, ये फॉर्मूला वहीं से आया है जो मेथड आप बता रहे हैं। ठीक है, तो वो वाला मेथड जो आप बता रहे हो उसमें आप पहले, बिल्कुल करेक्ट है, आप पहले डिस्टेंस निकालोगे। किससे डिस्टेंस, कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, स्पीड इंटू टाइम से निकाल के अपन डिस्टेंस निकालेंगे, फिर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके अपन एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। दैट विल बी ऑल्सो करेक्ट, बट क्योंकि हमें क्या करना है, एग्जाम के अंदर टाइम को सेव करना है, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। जब हमें पता है कि दोनों हाफ को कंप्लीट करने में टू आवर्स का टाइम लगा, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ गया। ये फॉर्मूला एक्चुअली डिराइव ही वहीं से होता है जो मेथड आप बता रहे हैं। आपका मेथड बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल कर सकते हो आप, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। चलिए आज की क्लास को यही खत्म करते हैं अपन। असाइनमेंट आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपका काम उससे पहले ये रहेगा कि यूट्यूब लेक्चर में जो कुछ भी अपन ने न्यूमेरिकल क्लास के अंदर सॉल्व किया, आप उसको दोबारा एक बार अपने घर पे अपने हाथ से रफ कॉपी में प्रैक्टिस करें। चलिए आज की क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट।